बड़ी खबर आपको बताते चले, राधिका फर्नीचर की दुकान में लगी आग, 70 लाख का फर्नीचर जला। गोहद नगर पालिका की खुली पोल। गोहद एसडी ओपी सौरभ कुमार एवं थाना प्रभारी मनीष धाकड़ की कड़ी मेहनत से पाया आग पर काबू। गोहद इटाली गेट के पास कोट का धुआं मार्ग पर 3 मंजिला राधिका फर्नीचर की दुकान एवं शोरूम पर बुधवार की शाम 5:30 पर अचानक भड़की आग से दुकान में रखा फर्नीचर, एसी, कूलर, फ्रिज आदि 70 लाख रुपए की लागत का सामान जलकर खाक हो गया। नगरपालिका की एकमात्र फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में विफल साबित हो रही है। गोहद नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की पाइपलाइन भी टूटी निकली, जिसको कर्मचारी काफी देर तक जोड़ते रहे। मालनपुर से आने वाले एम्बुलेंस 2 घंटे के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आक्रोशित परिजन जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सब कुछ जलकर खाक हो गया, अगर फायर ब्रिगेड समय से आ जाती तो बहुत नुकसान होने से बच सकता। श्याम बिहारी राठौर, संचालक राधिका फर्नीचर गोवा, उनका कहना है, मौके पर पुलिस बल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड एवं ट्रैक्टर टैंकर से प्रयास किया जा रहा है। मालनपुर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, समय जरूर लगा पर आग पर काबू पा लिया गया। सौरभ कुमार जो एसडी ओपी गोहद के, वो भी मौजूद रहे हैं। रिपोर्ट पवन राजोरिया, गोहद, वंदे भारत न्यूज। सर फोन लगा, सर वो जल रहा है, मेरा पूरा कमरा जल रहा है, देख रहे हो ना आप? फोन अभी तुरंत जो है पुलिस मौके पहुंची थी, सब लोग अपने दलबल के साथ पहुंचे, साथ ही साथ जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। पालिका की टीम जो है सभी आई यहां पे, और जो है अभी मालनपुर से भी फायर स्टेशन से भी वहां से भी आ गई अपनी पूरी टीम, और अभी जो है पूरी आग नियंत्रण में है, कोई जान की क्षति नहीं हुई है, और जो है कुछ जो है नुकसान भी कम हुआ है, पालिका नुकसान हुआ है। पास में एक फर्नीचर की दुकान पे आग लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हुआ है। श्रीमान, क्या इनको या कोई मुआवजा मिलेगा, क्या स्थिति बनेगी सर? हाँ, सूचना मिलने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, अभी मान हूँ, और आज भी अपन धीरे धीरे अपन काबू पा लिया अभी तो, और इसकी जाँच अपन सवेरे पूरे अपने पटवारी हम आएंगे, फिर करेंगे इसकी जाँच, और जाँच में जो जितने नुकसान होगा, जैसे कि हम पूरी आरबीसी सर, आज देखा गया कि फायर ब्रिगेड भी नगर पालिका की थोड़ी खराब थी, ऐसी स्थिति में कहीं दोबारा पुनरावृत्ति हो, इसके लिए प्रशासन क्या अलर्ट करेगा? फायर ब्रिगेड अलावा तुरंत पानी के लिए टैंकर भी कम उपस्थित हो पाए, तभी तो अपन को मालनपुर से मंगानी पड़ी थी।